आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कुल मिला के 4 कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। 2 चंबा से, 1 कांगड़ा से और 1 सरकाघाट में। जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी उसकी मां इस वक्त आईजीएमसी में भर्ती है, वो भी पॉजिटिव पाई गई। इस वक्त कुल मिला के 6 कोरोना वायरस पॉजिटिव के पेशेंट्स अस्पताल में उपचाराधीन हैं। हिमाचल प्रदेश की स्थिति संतोषजनक नहीं है और देश की स्थिति चिंताजनक है। मैंने पहले कहा था कि हमने पहला बैटल जीत लिया था, अब दूसरा बैटल शुरू हुआ है। मैंने पहले कहा था कि सक्सेस इज नॉट परमानेंट, फेल्यूर इज नॉट फेटल, इट इज द करेज टू गो अहेड व्हाट इट काउंट्स। हम सब में हिम्मत है इस समस्या को सामना करने के लिए, लेकिन इसके लिए आपकी सहयोग की आवश्यकता है। जिन लोगों को बाहरी राज्यों से हिमाचल प्रदेश आने की अवसर दिया गया है, उन लोगों को सरकार के प्रति आभारी होना चाहिए और हर नियमों का पालना करना चाहिए। जो लोग प्रदेश के बाहर से हिमाचल आए हैं उनको होम क्वारंटाइन का आदेश दिया गया है। होम क्वारंटाइन में रहते हुए आपको कभी बाहर नहीं निकलना है 14 दिन तक, और घर के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, अलग कमरे में रहना और मास्क पहनना और अपना यूटेंसिल्स अलग रखना, और घर के अंदर जो सीनियर सिटीजन्स है उनसे बहुत ही दूरी रखना, ये सब आवश्यक है। और जो गाइडलाइंस आपको दिया जाता है उनका कड़ाई से पालना करें। लेकिन हमने देखा है मंडी में एक व्यक्ति दिल्ली से मंडी आया था, वो अपनी पत्नी के साथ बर्थडे का सेलिब्रेशन करते हुए फोटोग्राफ फेसबुक में अपलोड किया था और उन दोनों को अब इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा गया। इसी तरह लंबा गांव में और चंबा में देखा गया कि लोग होम क्वारंटाइन का आदेश का उल्लंघन करते बाहर निकले, उन सबको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा गया और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की गई। कई जगह हमने देखा लोग विदाउट परमिट गाड़ियां चलाते हैं और मास्क नहीं पहन रहे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बना रहे। अब हम उन सब लोगों के ऊपर सख्ती से कार्रवाई करेंगे। शिमला में 2 लोग जो बाहर से आए थे उन्होंने गलत एड्रेस दिया होम क्वारंटाइन के संदर्भ में, और जब वो बाहर घूमते देख के उनको पकड़ के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा गया। ये सब बहुत निंदनीय है और बहुत अफसोस की बात है। अब पुलिस जो इन लोगों के ऊपर सख्ती से कार्रवाई करेगी। लेकिन एक अच्छी बात भी हमें देखने में मिला है। एक कपल बद्दी से पालमपुर पहुंचे थे, वे लोग अपने एंसेस्ट्रल घर में नहीं गए और गांव के बाहर टेंट लगा के टेंट के अंदर रहे, और उन्होंने ये कहा था कि 14 दिन तक वो टेंट पर ही रहेंगे। इस तरह के अच्छे लोग भी है जो आदेशों का कड़ाई से पालना कर रहे हैं, मैं इनको धन्यवाद करना चाहता हूं और मेरे मन में इनके प्रति सम्मान है। जो भारतीय नागरिक अगर विदेश जाना चाहते हैं किसी एक्सीजेंसी में, वे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या उनसे नॉमिनेटेड ऑथराइज्ड किसी एजेंसी को संपर्क कर सकते हैं। जो भारतीय नागरिक विदेशों में फंसे हैं वे अगर हिंदुस्तान वापस लौटना चाहते हैं, वे कंसर्न इंडियन एम्बेसी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। भारत सरकार उनको वापस लाने के लिए उचित कदम उठा रही है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मैं एक दो बातें कहना चाहता हूं। भगवान बुद्ध ने कहा है कि हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट, कंटेंटमेंट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ, फेथफुलनेस इज द बेस्ट रिलेशनशिप। उन्होंने कहा था कि जो आरोग्य है, तंदुरुस्ती है, वो सबसे बड़ा गिफ्ट है, और जो तृप्त रहना ही सबसे बड़ा दौलत है, और विश्वास ही फैमिली में एक रिलेशनशिप को बांधता है। भगवान बुद्ध ने कहा था कि भूत में जो कुछ हुआ है उसको भूल जाओ, भविष्य के बारे में चिंता मत करो और वर्तमान को जीना है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि जो दुनिया हम देखना चाहता है मन के आधार पर ही दुनिया हमको देखने को मिलता है। इट इज द थॉट्स विच मेक्स द वर्ल्ड विच वी विश टू सी। भगवान बुद्ध कहते हैं अगर हमें
कि पावर ऑफ गिविंग क्या है। हम कोई भी खाना विदाउट शेयरिंग नहीं खा सकते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अपेक्षा ही दुख का मूल कारण है, इसलिए अपेक्षा को छोड़ना चाहिए। किसी ने कहा था कि इट इज इजी टू बी हैप्पी बट एवरी वन वॉन्ट्स टू बी हैप्पियर। हमने अगर एक अच्छी गाड़ी खरीदी है हम खुश हैं, लेकिन जब पड़ोसी एक हमारे से अच्छी गाड़ी खरीदता है तो हम दुखी होते हैं। मोस्ट पीपल वॉन्ट्स टू गेट प्लेजर इन सीइंग मिजरी इन अदर्स। एक टेलीविजन कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट दे रहा था कि ओनर्स प्राइड इज नेबर्स एनमी। हमारे शास्त्र में जो मैसेज दिया था वो बिल्कुल अलग है। दूसरों की खुशी में खुशी देखना ही असली खुशी है। His Holiness दलाई लामा जी ने कहा था कि ट्रेजेडी इज द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ और लूजिंग होप विल बी द डिजास्टर। ये तिब्बत में कहा जाता था। और उन्होंने ये भी कहा था कि हम अपना मन और हृदय को मंदिर बनाना चाहिए और करुणा नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये कहा था कि मेरा रिलीजन बहुत ही सिंपल है। कर्मा कार्ग्यू सेक्ट के चीफ 16th कर्मापा जो रुंटेक मोनेस्ट्री में बैठते थे, वे कहते थे कि जस्ट मूव ऑन इफ यू आर एबल टू बी ऑफ सम यूज टू समबडी। अगर किसी को हम काम आते हैं तो हमें आगे चलते रहना चाहिए। बुद्धिज्म में इस तरह की बहुत मैसेजेस है जो हमारे जिंदगी में हर वक्त काम आएगी। His Holiness दलाई लामा जी हमेशा भारत के प्रति आभार व्यक्त करते थे। 6 दशक से ऊपर वे इस भारत में रहते हैं। हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज में उनका वास्तव्य है, इस बात पर हमें भी गर्व है। हमारा शास्त्र में भी कहते हैं जो चीज हम दूसरों को देते हैं उसे उसी वक्त भूलना चाहिए और जो हम लेते हैं उसको जिंदगी भर याद रखना चाहिए। ये क्वालिटी हमें His Holiness दलाई लामा जी में देखने को मिलता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आई हैव हाईएस्ट रेस्पेक्ट एंड रिगार्ड फॉर टिबेटन्स। मैं हिंदुस्तान में बसे हुए टिबेटन्स को सम्मान करता हूं। वे लोग 6 दशक से ऊपर भारत में रह रहे हैं, इनका नेक्स्ट जनरेशन यही पैदा हुए हैं, लेकिन ये स्वाभिमानी है, ये मेहनत करके कमाते हैं। बहुत इनके मेजॉरिटी लोग कोई भी क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है। इन लोगों के ऊपर धर्म का असर है। हमने देखा है कि टिबेटन विमेन छोटे छोटे बच्चों को पीठ पे कपड़े से बांध के दुकानों में बैठे होते हैं। वे स्वेटर्स या जैकेट्स या शूज, इंपोर्टेड गुड्स, पर्ल्स आदि बेचते हैं और हर एक औरत हो मर्द हो वे मेहनत से कमा रहे हैं। एक बार कोडाई कनाल में भगवान श्री सत्य साई बाबा स्टूडेंट्स को बुलाते हैं और कहते हैं कि थोड़ी दूर में एक लड़का समर हैट्स बेच रहा है, वो पिछले 15 दिन से उनका एक भी हैट बिकी नहीं है और वो पिछले कल से खाना भी नहीं खाया, इसलिए आपको हैट्स की जरूरत नहीं है, ये पैसा ले लो और उस लड़के से विदाउट बार्गेनिंग तमाम हैट्स खरीदो। स्टूडेंट्स वहीं जाके उस लड़के से हैट्स खरीदते हैं और वो लड़का 25 रुपए की जगह 15 रुपए में बेचने के लिए तैयार होता है, लेकिन स्टूडेंट्स इंसिस्ट करते हैं कि भगवान सत्य साई बाबा ने उनको कहा है कि पूरा पैसा देना है और वे पूरा पैसा दे के हैट्स खरीदते हैं। उस वक्त वो लड़का स्टूडेंट्स को कहता है कि पिछले 15 दिन से मैंने एक भी हैट नहीं बेची और पिछले 24 घंटे से मैंने कुछ भी नहीं खाया, लेकिन मैं हर वक्त भगवान सत्य साई बाबा का फोटो रख के प्रार्थना करता था कि मेरा हैट बिक जाए और मुझे खाना मिले। और आज ये बात सही हुई है, तमाम स्टूडेंट्स हैट्स पहन के भगवान श्री सत्य साई बाबा के साथ एक ग्रुप फोटो भी खींची है और मैंने स्वयं इस ग्रुप फोटो को भी देखा है। इस घटना से हम 3 चीजें सीखने को मिलता है। जो मेहनत करके कमाते हैं उन्हें हमेशा सम्मान मिलता है। दूसरी बात, जो अमीर नहीं है मेहनत करके कमाते हैं
उनसे कभी हमें बार्गेन नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात, गॉड हेल्प्स दोस हु हेल्प देमसेल्व्स। जो टिबेटन्स इंडिया में रहते हैं वे मेहनत करके कमाते हैं, स्वाभिमानी है और भगवान उनको मदद करते आ रहा है। मैं हिज होलीनेस दलाई लामा जी का वो बातें दोहराना चाहता हूं, ट्रेजेडी इज द सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, लूजिंग होप विल बी ए डिजास्टर। भगवान बुद्ध ने कहा था, नो वन विल सेव अस, वी हैव टू सेव आवरसेल्व्स। धन्यवाद, जय हिंद।